सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम विजय वर्मा है, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी हाट कर्मैया के लिए जो है नोटिफाइड हैं और मैं अक्टूबर से यहाँ कार्यरत हूँ। केवल हम तो नाम केवल सुने हैं कि मनरेगा मतलब क्या है, हमको पूर्ण जानकारी नहीं है। अगर इसके ये मनरेगा एक एक्ट है, अधिनियम है, इसके पहले बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती थी प्रखंड स्तर पर, लेकिन बहुत सारी योजनाओं को मर्ज करके मनरेगा एक अधिनियम के रूप में दे दिया गया है ना। तो ये अधिनियम है, ये अधिनियम 2005 में बना है और तब से लागू है, और शुरुआती दौर में तो जो स्थिति थी अब उससे बेहतर होते चला जा रहा है। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये जो कानून है, एक्ट है, ये इसमें क्या कहता है। मनरेगा एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी अकुशल मजदूर जिसको किसी तरह की तकनीकी जानकारी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, क्या हो भी सकता है, और यदि वो बेरोजगार है तो मनरेगा एक्ट के तहत 100 दिन की गारंटी। लेकिन हमको पहले ये जानना है कि ये जो एक्ट है, क्या एक परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं, हो सकता है परिवार में चार व्यक्ति अकुशल मजदूर हों, तो क्या चारों आदमी को 100 दिन का जो है गारंटी दी जाती है? ऐसा नहीं है। ऐसा है कि एक परिवार को 100 दिन की गारंटी दी गई है सरकार के द्वारा। वो 100 दिन कार्य यदि हमको ये मांगते हैं, 100 दिन हम उनको उपलब्ध करवाएंगे, चाहे परिवार में अकुशल मजदूर के रूप में एक ही व्यक्ति 100 दिन काम करे, या चार व्यक्ति हैं तो चारों मिलकर के 25-25 दिन काम करें, यानी कुल मिलाकर के परिवार में अधिक अकुशल मजदूर हैं और सभी काम मांगते हैं, तो हम 100 दिन ही उनको दे पाते हैं। एक्ट यही कहता है कि 100 दिन की गारंटी उनको दी जाती है, यानी उनको 100 दिनों का काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। सरकार की पॉलिसी है कि ये मनरेगा एक्ट के तहत 100 दिन की जो गारंटी दी गई है, बहुत सारे ग्रामीण भाई करते हैं कि अपना कृषि जैसे खेती बाड़ी करके खेती के दिनों में तो काम तो कर लेते हैं, फिर उनको रोजगार नहीं मुहैया नहीं होने के कारण वो पलायन कर जाते हैं। पलायन की स्थिति में उनको तो दूर जाना पड़ता है, अपने परिवार को छोड़ करके दूर जाना पड़ता है, बहुत तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, गांव का गांव खाली हो जाता है पुरुषों से। सरकार इसको देखते हुए कि किसी को पलायन न करना पड़े, वो अपने ही क्षेत्रों में उनको 100 दिनों का रोजगार मुहैया हो सके, इस अधिनियम के तहत यही पूर्व में ही हम बता चुके हैं कि 100 दिन की गारंटी दी जाती है, और 100 दिन में अकेले भी 100 दिन कर सकते हैं या चार मिल करके भी कर सकते हैं, लेकिन 100 दिन से अधिक नहीं मिलेगा, और उनको नज़दीकी क्षेत्र में ही दिया जाना है। योजनाएं मान लीजिए कि उनके क्षेत्र में योजना नहीं चल रही है, तो इस परिस्थिति में उनको 5 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी लगाया जा सकता है। यदि वो काम मांगते हैं, आवेदन देते हैं पंचायत में, पंचायत सेवक को मौखिक रूप से भी वो कह देते हैं हमको चाहिए, तो लिख देंगे, उसके अनुसार भी उनको जो है 15 दिनों के अंदर रोजगार मुहैया कराना जरूरी है। यदि 15 दिनों के अंदर रोजगार मुहैया नहीं कराया जाता है, उनको काम पर नहीं लगाया जाता है, तो माना जाएगा कि वो बेरोजगारी भत्ता के हकदार हैं, है ना, आप काम नहीं दिए, वो बेरोजगार हैं, इसलिए वो भत्ता पाएंगे, तो भत्ता का भी प्रावधान है। लेकिन कोशिश किया जाता है कि किन्हीं को भत्ता देने की स्थिति में न आवे, बल्कि उनको रोजगार मांगे हैं तो हम उनको रोजगार मुहैया करा दें। अभी तक हम लोग यही देखते आए हैं कि किन्हीं को भत्ता देने की आवश्यकता नहीं हुई है, वो कार्य मांगे हैं तो हम उनको कार्य उपलब्ध करवाए हैं। एक कोल्हान एरिया में मजदूरों की संख्या अधिक है, खास करके
महिलाओं की संख्या, तो इसको देखते हुए हम लोगों को यहाँ पर जो मनरेगा के तहत जहाँ अभी योजनाएं चल रही हैं उसमें पर्याप्त संख्या में अकुशल मजदूर कार्य कर रहे हैं और उनको समय पर भुगतान भी किया जा रहा है। साप्ताहिक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये भुगतान साप्ताहिक हो जाए, जैसे एक सप्ताह में 6 दिन हुआ, 7 दिन हुआ, 7 दिन में 6 दिन वो काम की, 1 दिन रेस्ट दिया जाता है, 6 दिन काम किए उसका मास्टर रोल तैयार किया जाता है नेट के द्वारा स्थल पर, और वो मास्टर रोल तैयार कर, मास्टर रोल मतलब उसको प्रत्येक दिन भरना पड़ता है कि कितने जॉब कार्डधारी काम कर रहे हैं, जॉब कार्ड भी उनका स्थल पर होना चाहिए, कितने जॉब कार्डधारी काम कर रहे हैं वही व्यक्ति हैं या नहीं इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए जॉब कार्ड जिनका बना हुआ है और उनके जगह पर कोई दूसरा कोई काम करे तो गलत है, तो जॉब कार्ड भी स्थल पर होना चाहिए, उसे पहचान कर ले मेट कि वही व्यक्ति है, दूसरा मास्टर रोल तैयार करना है उसी के आधार पर कि कौन कौन व्यक्ति आज दिन भर काम किया, उसका भी यह है कि काम किया तो कितना मिट्टी वो उठाएगा, है ना, कितना मिट्टी उठाने पर उसको 1 दिन की मजदूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है उसका मानक बना हुआ है 73 CFT की मिट्टी जो है उठाता है, ऊपरी मिट्टी उसका स्तर बना हुआ है 0 से 5 फीट, 5 से 8 फीट, 8 से 10 फीट उससे अबव, और उसके आधार पर ही जो है मिट्टी कम काटना पड़ता है, मजदूरी का भुगतान जैसे जैसे गहराई की ओर जाते हैं मजदूरी का भुगतान जो है कम ही मिट्टी काटने पर उतना हो जाता है, जैसे 73 CFT हो गया, 54 CFT हो गया, 49 CFT हो गया, और उससे भी गहराई जाते हैं तो कम CFT में ही उनका मजदूरी का भुगतान होता है। ऐसा नहीं कि जितना मिट्टी हम ऊपर में काटें तो उतना हम जाकर के गहराई पर भी काट लेंगे, यह संभव नहीं होगा, तब तो फिर तो पहला तो मास्टर रोल तैयार हो गया प्रत्येक दिन के हिसाब से, 6 दिन काम किए मास्टर रोल तैयार हो गया मेट के द्वारा, वो रोजगार सेवक को देगा, रोजगार सेवक भी सत्यापित करेगा कि क्या मास्टर रोल ठीक ठाक है या नहीं है, गलत ढंग से तो एंट्री नहीं किया गया है, 5 लेबर काम कर रहे हैं कहीं 5, 7, 10 इस तरह का तो नहीं चढ़ा दिया गया है, यानी हर तरह से उसका जांच करके फिर उसका मापी भी की जाती है कि जितना जो मास्टर रोल तैयार किया गया है तो जितने लेबर लगाए गए हैं उसके अनुसार काम हुआ है कि नहीं CFT के अनुसार, हो सकता है कि CFT के अनुसार वो यदि काम कर दे या हो सकता है कम काम करें, कम काम करने की स्थिति में हम अधिक पेमेंट करते हैं तो गलत है, या यदि काम कर दिए और कम पेमेंट करते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई 2 CFT के बराबर काम कर दिया तो हम उसको 1 दिन रेस्ट करने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि 1 दिन में वो उसका दुगुना काम कर दिया तो ऐसा नहीं कि हम 2 दिन का मजदूर एक ही दिन दे देंगे मजदूरी, ऐसा नहीं होता है ना, तो उसके लिए 2 दिन के बजाय 1 दिन हम उनको कहेंगे कि रेस्ट कर सकते हैं, है ना, या दूसरे दिन कम भी काम करते हैं तो आपका मेकअप हो जाएगा, तो जितना मिट्टी काटना है उनको काटना है, और उसके लिए मापी पुस्तिका तैयार की जाती है, अभी तो प्रावधान है कि मेट के द्वारा ही प्रत्येक दिन वो मापी करेगा, उसको प्रशिक्षित भी किया गया है कि आपको जॉब कार्ड भी रखवाना है वहाँ, उसकी पहचान करना है, मास्टर रोल भी तैयार करना है प्रत्येक दिन, उसमें भी एंट्री होनी चाहिए कि कौन जॉब कार्डधारी कितना दिन काम कर लिया, उससे भी पता चल जाएगा, ये सब करते हुए वो रोजगार सेवक हैं, पंचायत सेवक हैं, उनको दे देने के बाद वो अपना फिर अभिलेख तैयार करते हैं। अच्छा, मापी भी इनको करके देना है, मापी पुस्तिका में भी जो है चढ़ता है, अंतिम रूप से हम लोग JEE से भी मापी करवाते हैं, JEE से मापी करने के बाद उससे भी पता चल जाता है कि कितना काम हुआ, है ना, और काम के विरुद्ध जो मास्टर रोल तैयार किया गया वो सही है या गलत है, तो दोनों में समानता हो जाती है, थोड़ा मोड़ा का अंतर हो सकता है लेकिन समानता होनी चाहिए, और इसके आधार पर अभिलेख तैयार करके हमारे यहाँ प्रस्तुत किया जाता है पंचायत सेवक के द्वारा या रोजगार सेवक लेकर के आता है, फिर संयुक्त हस्ताक्षर से हम लोगों का जो है उसका चेक निर्गत कर देते हैं, सबका एडवाइस तैयार करके बैंक भेज दिया जाता है, या तो डाकघर में जिनका खाता खुला हुआ है खाता के माध्यम से ही भुगतान
उन लोगों को होता है, किसी को हम लोग हाथों हाथ राशि नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी राशि जो काम की है तो मिलना चाहिए उनको, उनका हकदार वही है, दूसरा कोई नहीं। पहले होता था कि जब तक खाता नहीं खुला था तब तक बिचौलिए लोगों के हाथ में जो है पैसा चला जाता था, उनको कम राशि दे करके बाकी अपने पास रख लेते थे, या वो स्थिति नहीं रह गई है। अब खाता जिनका खुला हुआ है तो खाता के माध्यम से हम लोग भुगतान करवाते हैं, उनके खाता में पैसा चला जाता है, वो पैसा उनका होता है, वो जब चाहे निकाल सकते हैं, है ना, या तो छोड़ भी सकते हैं, उसमें उनका अपना एकत्रित होते चला जाएगा। ये है, ये प्रावधान है। इसके साथ साथ मेट का भी प्रावधान उसमें किया गया है, मेट वहाँ रहेगा, उसकी देखभाल करेगा, इस वो शेड वगैरह का भी, छाया का भी प्रबंध करेगा, जो हम लोग यहाँ उपलब्ध करवाते हैं, है ना, पानी की व्यवस्था करवाएगा। यदि कोई महिला जो है उसका बच्चा छोटा है और वो काम करने के लिए जाती है तो उसका रखरखाव के लिए भी एक व्यक्ति को वहाँ लगाया जाता है, कोई महिला को लगाया जाता है कि वहाँ देखरेख करें, बच्चों को देखरेख करें, ये भी सुविधा है। वहाँ दवा भी रखवाते हैं हम लोग, ये मेडिकल किट दिया जाता है। इसमें मनरेगा एक्ट के तहत ये भी सुविधा है कि कोई व्यक्ति का यदि कार्य करते हुए दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और वो पोस्ट ऑफिस से उसका भुगतान होता है तो 15 रुपये में उसका बीमा राशि 15 रुपया लिया जाता है वार्षिक, और उसे 1,00,000 रुपये का उसको जो है दुर्घटना में मृत्यु के बाद दिया जाता है। तो ये लोगों को पता नहीं है, अभी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि हम दूसरे जगह काम करते हैं तो वहाँ पर इस तरह की सुविधा नहीं है, जबकि यहाँ पर मनरेगा एक्ट के तहत ये सुविधा है। साथ साथ कोई कार्यरत व्यक्ति काम करते हुए यदि किसी तरह का चोट लग जाए या बीमार पड़ जाए, है ना, इस हालत में जो है उनको इलाज के लिए नज़दीक में जो हॉस्पिटल है वहाँ भर्ती भी करवाया जाता है, जहाँ मुफ्त इलाज भी होता है, और साथ साथ उनका उस दिन का मजदूरी भुगतान भी, जितना मजदूरी है उसका आधा 50% उसका कर दिया जाता है, ये भी प्रावधान है। यानी वो बीमार की स्थिति में यदि हॉस्पिटलाइज भी हो जाता है तो काम करते हुए, तो इस परिस्थिति में उनका भुगतान भी होता है। ये सभी इसमें सुविधा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि सारे लोगों को ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं काम करने वाले कि उनको तो काम में लगा दिया जाता है, भुगतान हो गया, बस वो काम करने और पैसा लेने से मतलब रखते हैं। बहुत कोई जान नहीं पाते हैं कि हमको और क्या करना है, लोगों को जागरूक करना है, कैसे करना है। हम लोग अपने स्तर से ये व्यवस्था किए हैं कि प्रत्येक पंचायत में एक रोजगार दिवस सृजित किया जाए। रोजगार दिवस सृजित करने का मतलब है कि पंचायत में रह करके एक निर्धारित तिथि को, एक निर्धारित दिन, है ना, कि फलाने तारीख को जो है रोजगार दिवस, या साप्ताहिक करें, साप्ताहिक भी कर सकते हैं, सप्ताह में एक दिन रोजगार दिवस के रूप में प्रत्येक पंचायत में रखें। ये हम लोग मैंने उन लोगों को निर्देश दिए हुए हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमको कहीं रोजगार की मांग करना है, आवेदन देना है, या किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो कहाँ से करेंगे। तो रोजगार दिवस इसी उद्देश्य से वहाँ मनाया जाता है कि उस दिन वहाँ पर वो सभी ग्रामीण उस पंचायत के या कुशल मजदूर अपना जा सकते हैं, जा करके पंचायत सेवक, रोजगार सेवक से आवेदन रोजगार के लिए दे सकते हैं, या किसी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो प्राप्त कर सकते हैं, किसी तरह की समस्या है तो वहाँ रख सकते हैं। हाँ, वो किस प्रकार आवेदन दिया जाए, किसको दिया जाए, आवेदन में क्या लिखा जाए, ये अगर आप थोड़ा बताएंगे तो सुविधा होगा। देखिए, ये आवेदन देने के लिए बहुत इसमें लंबी प्रक्रिया नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसे मौखिक रूप से भी कहता है पंचायत सेवक के पास कि हमको काम चाहिए, तो काम चाहिए तो वो एक आवेदन अपने से भी लिख सकता है, वो जो बताएंगे उसके अनुसार काम चाहिए उस डेट में वो ये कर लेंगे, रिसीविंग करवा लेंगे, एक थो लेंगे कि उनको पता, जैसे कि आवेदन किसी को देते हैं तो एक अपना आवेदक भी अपना रिसीविंग करवा के रखेंगे कि हम आज के डेट में उनसे काम मांगे हैं। ठीक है, आज के डेट से
रोजगार सेवक पंचायत सेवक का कर्तव्य है कि वो जॉब कार्ड नहीं बना हुआ है तो जॉब कार्ड बना दें, सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन कर दें, है ना। जब तक निबंधन नहीं होगा तो कैसे होगा, तो उसको एक करके जॉब कार्ड तैयार करके फिर उनको 15 दिनों के अंदर काम मुहैया करा देना है। ये तो ये पंचायत में ही पंचायत सेवक को रोजगार सेवक को दे सकते हैं, लिखित आवेदन अगर देते हैं। हाँ, तो पंचायत सेवक के नाम पे ही। हाँ, पंचायत सेवक के पास आवेदन पंचायत में कर सकते हैं। हाँ, चूंकि यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है। आप रोजगार दिवस के बारे में जो हम बात किए तो इसलिए हम किए कि वहां पर अपनी समस्या को रख सकते हैं, अपना जो है आवेदन दे सकते हैं, है ना। यदि वहां से भी नहीं होता हमारे पास भी आते हैं तो हम भी पंचायत सेवक रोजगार सेवक के पास ये भेज देते हैं कि इनको तुरंत आप फलाने जगह पर उनका नजदीकी जहाँ योजना चल रही है उसमें आप लगावें और हमको भी सूचित करें, है ना। उसकी और आपने कहा कि अगर 15 दिन में काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता मिलना उनका अधिकार है। हाँ, तो वो किस प्रकार, मतलब वो बेरोजगारी भत्ता के लिए भी उनको आवेदन देना होगा या किस प्रकार उनको मिलेगा? नहीं, आप जैसे 15 दिनों के अंदर मान लीजिए आप रिसीविंग देते हैं आवेदन, आपने जिस दिन दिया पंचायत सेवक को, तो आवेदन देने से लेकर के 15 दिन आपका गुजर गया और इस बीच में आपको कहीं पर काम पर नहीं लगाया गया, आप दिखला सकते हैं ना कि हमारा आवेदन दिए हुए इतने दिन हो गया, मैंने काम की मांग किया फिर भी अभी तक कार्य उपलब्ध नहीं करवाया गया, काम पर नहीं लगाया गया, तो 15 दिन से ऊपर हो गया तो इस परिस्थिति में जो है हमको बेरोजगारी भत्ता चाहिए, हम बेरोजगारी भत्ता का हकदार हैं, तो 15 दिन से ऊपर हो जाने का। तो वो एक आवेदन, लिखित आवेदन। हाँ, क्योंकि उसकी जानकारी तो फिर होनी चाहिए ना कि आपको काम पर नहीं लगाया गया। और एक और बात आपने कहा कि अगर भुगतान जो है वो कितने दिन में मिलने का अधिकार है एक मजदूर को? हाँ, नरेगा मनरेगा एक्ट के तहत तो प्रावधान है कि 15 दिनों के अंदर उनका भुगतान हो ही जाना चाहिए। 15 दिनों के अंदर भुगतान नहीं होता है तो वो डिलेड पेमेंट जिस स्तर से होता है, हमारे स्तर का है या पंचायत सेवक हमारे पास नहीं लाए या बैंक के द्वारा हुआ, तो डिलेड पेमेंट के तहत जो है उस पर क्लेम किया जाता है, उसकी जो है मानदेय से या पेमेंट से हम लोग भुगतान करवाते हैं, जहाँ जिस स्तर से गड़बड़ी हुई है, जहाँ से देर हुआ है भुगतान में, वहाँ से हम लोग करवाते हैं। तो सर, फिर आपने पहले कहा था कि जो वहाँ कोई महिला से छोटे बच्चे के साथ में काम करती है, उसके बच्चे लोग खेलते रहते हैं, तो जो उसकी देखभाल करते हैं क्या उनको भी जो यहाँ काम करते हैं उन लोगों के बराबर मजदूरी? हाँ, उसको भी समान रूप से मजदूरी मिलती है, कोई काम करके मजदूरी पा रहे हैं ये भी तो काम करके मजदूरी पा रहे हैं, इनको इस काम के लिए लगाया गया, बच्चों को जैसे रखने के लिए भी चाहिए ना, ये भी तो उनके साथ जुड़े हुए हैं, इनको भी उतना ही मजदूरी मिलती है जितना कुशल मजदूर कार्य करके उनको जितना मिल रहा है उनको भी उतना मिलता है। ये जो कोयरा में जो ऊर्जापूर्ति जो है उनको भी ब्लॉक के स्तर से मदद से रखा होगा, इस पर अगर आप थोड़ा बताएंगे तो थोड़ा और सुविधा होगा, किस प्रकार से उन्होंने क्या? देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी वैसे व्यक्ति न रहें जिनको मजदूरी करने का मौका न मिले, कोशिश करते हैं हर योजना में यहाँ या कुशल मजदूर जो जॉब कार्ड बनाए हुए हैं या नहीं भी बनाए हुए हैं और वो काम चाहते हैं उनका जॉब कार्ड बनाया जाएगा और उनको काम पर हम लोग देखना चाहते हैं। उद्देश्य है कि उनको 100 दिन का रोजगार हमको मुहैया कराना, पलायन को रोकना, है ना, बेरोजगारी को दूर करना और इनके द्वारा किया गया कार्य के आधार पर जो स्ट्रक्चर तैयार होगा उसका भी उनको लाभ मिले, है ना। तो इसी दरमियान हमारे यहाँ कोयरा से एक विकलांग व्यक्ति को भेजा गया हमारे पास कि इनको कहीं काम नहीं मिल रहा है, ये बेरोजगार हैं, इनको काम देने से काम करते, तो तुरंत हम रोजगार सेवक पंचायत सेवक को बोले कि भाई हमारे यहाँ ये मजदूर के रूप में ये काम मांग रहे हैं, इनको तुरंत लगाइए। तो आदेश पाते ही उन लोग भी योजना में लगाए
देखिए उनको मजदूरी मिल रही है, वो खुशहाल हैं। कल तक काम के लिए वो सोचते थे कि कहाँ जाना पड़ेगा, आ गए उनको लगा दिए। इस तरह से एक और हमारे पास है, उनको भी हम काम में लगाए। तो हम तक जब समस्या आ जाती है, उस तरह के लोग आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति बैठा ना रहे, काम करे। लक्ष्य हम लोगों का वही है कि वो कहीं दूर ना जाएं, पलायन ना करें। उनको जो गारंटी दी गई है एक्ट में, जो 100 दिनों की गारंटी है, उनको मजदूरी उपलब्ध करवाया जाए, है ना, वहाँ काम मिले उनको, मजदूरी समय पर मिल सके। आवेदन ब्लॉक स्तर पर आवेदन तो नहीं दिया, लेकिन हमसे जब उन्होंने बात की, हाँ बातचीत हुई, तो हम उनको रोजगार सेवक को बुला करके हम बोले कि जा करके इनको जो प्रक्रिया है उसके तहत सारा पूरा करते हुए जा करके काम पर लगवाइए, क्योंकि सबों को जानकारी है कि कैसे उनका आवेदन लेना है, कैसे क्या करना है, कैसे काम पर लगाना है। तो वो अपना फिर काम पर लगा दिए। तो इसमें अगर आप, अगर सब जितने भी लोग जो हैं जो कि हमारे वीडियो को देखेंगे, उनके लिए अगर आप कुछ संदेश देना चाहेंगे कि मनरेगा के तहत किस प्रकार काम करना चाहिए, या अगर कुछ नहीं अधिकार मिल रहा है तो उनको किस प्रकार उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तो आप एक सुविधा। देखिए हम तो कहते हैं कि सबसे पहले तो ये जानना होगा कि हमारा क्या क्या अधिकार है, हम बेरोजगार हैं तो क्यों हैं, क्या हमारे लिए सरकार कुछ व्यवस्था की है, इसको पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, स्वयं जानना पड़ेगा, पूछ के जानना पड़ेगा। और कुछ वैसे संस्था भी हैं, उनके माध्यम से भी उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि आपको अधिकार है काम मांगने का, आपको काम मिलेगा, समय पर मिलेगा, आवश्यकता है जागरूक करने का। तो हमको नहीं लगता है कि उनको काम नहीं मिलेगा, वो काम अपने यहाँ ही करके और अपने परिवार को सुखी संपन्न रख सकते हैं, आर्थिक तंगी से जो गुजरते हैं वो समय नहीं देखना पड़ेगा। हमारा मानना है कि सभी लोगों को मनरेगा अधिनियम के तहत जो प्रावधान है उसका बढ़िया से अनुपालन करें, और अपने यहाँ जो चल रही योजनाओं में वो सही ढंग से काम करें, जितना काम मिला है उतना वो काम करें, और वो उनका सही समय पर भुगतान हो जाए। ये भी हम लोग कोशिश करते हैं कि समय पर भुगतान हो जाए। तो मेरा संदेश यही है कि अपने अपने गांव में जो पंचायत सेवक, रोजगार सेवक जाते रहते हैं, उनको काम चाहिए तो वो तुरंत उनको आवेदन दें। वो यदि नहीं लेते हैं तो हम तक पहुँचें, लेकिन चुप से बैठ जाएं और ये कहें कि हम बेरोजगार हैं, तो ये दुखद बात है, ये नहीं होनी चाहिए। हम तक पहुँचें, वहाँ पहुँचें, पंचायत में पहुँचें, कहीं पहुँचें, लेकिन उनको काम मिले। इस जब तक काम नहीं मिलता है तो उनको जानना ही पड़ेगा कि हमको कहाँ से काम लेना है, इसके लिए बराबर उनको प्रयास करना पड़ेगा। हम लोगों को ये पता नहीं रहता है कि कौन काम करने के लिए इच्छुक है, किनको काम चाहिए नहीं चाहिए, वो तो वही बता सकते हैं। जॉब कार्ड जो बना लिए हैं उतने लोगों को तो पता है कि इतने लोग हमारे यहाँ से काम के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हम कहाँ आवेदन दें, कहाँ क्या करें। कुछ ऐसे भी आपका जो है संभ्रांत परिवार के लोग हैं जो गरीबी रेखा से गुजरते हैं, गरीबी की हालत से गुजरते हैं, तो वो चाहते हुए भी वो काम नहीं कर, इच्छा है कि हम काम करें, लेकिन चूंकि उनका जो एक कल्चर है वो सोचते हैं हम पर्दे से बाहर निकलेंगे तो फिर समाज क्या कहेगा, तो हमको भूख लगी है तो भूख मिटाने के लिए तो हमको काम करना पड़ेगा, इसको हे दृष्टि से नहीं देखना है। हमारा विचार ऊंचा होना चाहिए कि हमको भूख लगी है तो हमको काम करना है, इसमें ऊंचा नीचा भेदभाव की कहां बात आती है, इससे भी बाहर निकलना पड़ेगा। तब एक दिन निश्चित है कि ये जो मनरेगा एक्ट का जो प्रावधान है ये सही ढंग से जो है इसका
से लागू हो पाएगा। अभी हम लोग इस दौर से ही गुजर रहे हैं, इसमें अभी अपार संभावनाएं हैं।